हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। आज की वीडियो में हम करेंगे मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश को क्रम से याद करेंगे, वो भी एक ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि किन किन वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश, सेकंड नंबर पे आता है शिशुनाग वंश, थर्ड पे आता है नाग वंश, फोर्थ पे है मौर्य वंश, फाइव नंबर पे आता है शुंग वंश, सिक्स पे आता है कणव वंश और सात पे आता है सातवाहन वंश। तो फ्रेंड, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे हम ट्रिक से याद करेंगे और ट्रिक काफ़ी फनी होगी ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं। हमारी आज की ट्रिक है हसीन मशूका साथ। काफ़ी फनी ट्रिक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, हसीन मशूका साथ। तो इसी ट्रिक से हम ये सभी सात वंश है जो याद करने वाले हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, हसीन मशूका साथ। काफ़ी फनी ट्रिक है, तो देखते हैं किस तरह से इस ट्रिक से हमें ये सात वंश याद होते हैं। तो इस ट्रिक से सबसे पहले देखिए, ह से आता है हर्यक वंश, सी से आता है शिशुनाग वंश, न से आता है नाग वंश, और फिर देखिए म से आता है मौर्य वंश, सु से आता है शुंग वंश, क से आता है कणव वंश और सात से आता है सातवाहन वंश। काफ़ी इजी ट्रिक है और काफ़ी फनी ट्रिक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, हसीन माशूका सात। तो इससे हमें ये सभी सात वंश है जो क्रम में याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।